हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था और आप लोगों की भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्लाउड इंजीनियर रोड मैप के लिए वीडियो बनाओ, तो ये वीडियो क्लाउड इंजीनियर रोड मैप पे होगी। इसमें मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, क्यों आपके लिए क्लाउड इंजीनियर रोल अच्छा हो सकता है और क्या इसके पैकेजेस होते हैं, क्या क्या स्किल सेट आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना शुरू से लेकर एंड तक। और हमारा ये चैनल जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हिट करने वाला है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन भेज सकते हैं, जिससे कि मैं और भी ऐसा कंटेंट आपके लिए लाता रहूं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। अगर आप मेल करने के लिए जीमेल का यूज़ करते हैं, अगर वीडियोस देखने के लिए आप यूट्यूब का यूज़ करते हैं, या किसी वेब सीरीज़ को देखने के लिए नेटफ्लिक्स का यूज़ करते हैं, तो आप ऑलरेडी क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म बैकएंड में कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लाउड कंप्यूटिंग पे ही डिपेंडेंट है। मान लीजिए आपको एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं और आपके पास बहुत कम यूज़र्स है, 5-10। उस टाइम आपने यूज़र्स को मैनेज करने के लिए आपने अपना एक डेडिकेटेड सर्वर इन हाउस आपने रख रखा था, बट ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपके यूज़र्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और लाखों में यूज़र्स हो गए। अब उसको मैनेज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बहुत ज़्यादा टीम मेंबर्स चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग मोस्टली पे एज यू गो मॉडल पे काम करते हैं और ऑन डिमांड होते हैं। तो जैसे आप लाखों यूज़र्स के लिए जब आप मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेंगे तो आपको अप फ्रंट बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, बट क्लाउड में आप जा सकते हैं, जितना आप रिसोर्स यूज़ करेंगे, जितना आप कंप्यूट यूज़ करेंगे, जितना आप स्टोरेज यूज़ करेंगे, उतना ही पे करना पड़ेगा। वहाँ पे बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा पैसा सेव होता है। साथ ही साथ आपको जो साइड हसल करना है आपको सर्वर मैनेजमेंट लेवल पे, वो सारी आपकी बच जाती है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कुछ ही मेंबर्स के थ्रू आप उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरा बैकएंड का एनवायरनमेंट कहीं ना कहीं क्लाउड पे होस्टेड है और वो क्लाउड टीम उनको पूरा मैनेज करती है। आई होप गाइस आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप नीचे जाके मेरे टॉपमेट के लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं। वहाँ से आप एक 1-on-1 शेड्यूल कर सकते हैं, जहाँ पे आप और मैं डिस्कस करके इसके बारे में और भी बातें कर सकते हैं और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझाने का ट्राई करूँगा। या आपके और कुछ भी डाउट्स हो तो उस लिंक के थ्रू आप मेरे से साथ कनेक्ट होके कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं। गाइस, अब समझते हैं कि क्लाउड इंजीनियर क्यों बनना चाहिए आपको। सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं कहूँ, क्योंकि मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आया था जहाँ पे मैं क्लाउड इंजीनियर के बारे में नहीं जानता था, बट क्योंकि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि ऑलमोस्ट सारी कंपनी आज कहीं ना कहीं क्लाउड कंप्यूटिंग को यूज़ कर रही है, तो जैसे जैसे सारी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग की तरफ आ रही है, सारी कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग को अडॉप्ट कर रही है, वैसे वैसे क्लाउड कंप्यूटिंग में बहुत ज़्यादा जॉब्स जनरेट हो रही है। तो उस जॉब्स को फुलफिल करने के लिए और उस गैप को फुलफिल करने के लिए बहुत ज़्यादा क्लाउड इंजीनियरिंग की जॉब्स निकल रही है। ऑन एन एवरेज अगर आप किसी भी जॉब वाली साइट पर जाते हैं, अगर आपको टेस्ट करना है ये चीज़, तो आप लिंक्डइन या नौकरी पर चेक करिए, आपको बहुत ज़्यादा क्लाउड इंजीनियरिंग के रोल मिल जाएंगे। तो ये क्लाउड इंजीनियरिंग रोल आपको बहुत अच्छी सैलरी भी दे सकते हैं, साथ ही साथ ये आपको टेक्नोलॉजी जो अभी लेटेस्ट चल रही है इंडस्ट्री में उसके साथ साथ कनेक्टेड भी रखती है। तो इसलिए क्लाउड इंजीनियरिंग रोल मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप शुरू एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना चाहते हैं या आप एज अ एक्सपीरियंस हैं, अगर आप स्विच भी करना चाहते हैं, तो क्लाउड इंजीनियरिंग एक बहुत अच्छा रोल हो सकता है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्लाउड इंजीनियरिंग रोल में काम क्या होता है। फ्रेंड्स, क्लाउड इंजीनियरिंग रोल काफ़ी डिफरेंट डोमेन्स में सेपरेटेड है। लाइक क्लाउड इंजीनियरिंग रोल में आपको क्लाउड नेटवर्क इंजीनियरिंग भी आ सकता है, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर भी आ सकता है एंड क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियर भी आ सकता है। ये डिफरेंट काइंड ऑफ रोल हैं क्लाउड इंजीनियरिंग के अंदर। और आजकल तो क्लाउड आर्किटेक्ट और भी कई तरह के रोल्स क्लाउड इंजीनियरिंग के अंदर आते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपको क्या सूटेबल होता है। लाइक क्लाउड आर्किटेक्ट की बात करें, तो क्लाउड आर्किटेक्ट रोल में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करने का मोस्टली टास्क रहता है। आपको डिफरेंट कस्टमर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपको उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है। उसमें कुछ रिक्वायरमेंट रहती है कि कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, हाईली अवेलेबल होना चाहिए और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होती है क्लाउड पर्सपेक्टिव से।
सो गाइस, अब बात करते हैं क्लाउड नेटवर्किंग इंजीनियर की। तो क्लाउड नेटवर्किंग इंजीनियर में आपका मोस्टली वर्क होता है कि लोड बैलेंसर सेटअप करना, नेटवर्क तैयार करना, सबनेटिंग करना, किस तरह से आपका प्राइवेट कनेक्टिविटी होगी, वो सारी चीज़ करना। तो हो सकता है बेस्ड ऑन डिफरेंट यू नो एक्सपीरियंस, आपको अगर आप बिगिनर हैं तो आपको डिफरेंट लेवल का वर्क दिया जाएगा, जैसे फायरवॉल रूल्स इंप्लीमेंट करना और डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। अगर आप एक्सपीरियंस है तो आपको हो सकता है पूरा नेटवर्क डिज़ाइन करना, ये सारे वर्क मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर की। तो गाइस, क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का मोस्टली काम होता है सर्वर को सिक्योर करना, आपके एनवायरनमेंट को, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सिक्योर करना, फिजिकल और वर्चुअल। तो इसके अंदर क्या होगा कि आपको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज़ करनी होगी सिक्योरिटी की, जिससे कि आप, जैसे आपका डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, वो सर्वर कैसे सिक्योर होगा, आप जब डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो कम्युनिकेशन चैनल पूरा कैसे सिक्योर होगा, SSL के थ्रू या HTTPS के थ्रू, वो सारी चीज़ें उसमें इम्प्लीमेंट करने के तरीके और सिक्योरिटी इंजन का काम होता है, वो सारी चीज़ें परफेक्टली ऑन द प्लेस होनी चाहिए। तो इसमें बहुत ही वास्ट रोल है। आप इसमें आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में बहुत सारे डिफरेंट रोल्स और आएंगे इसी के अंदर में, जो आपको स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर सर्विस पे फोकस करके आपको काम करने का फ्रीडम देगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लाउड इंजीनियर का एक्चुअली रोल क्या होता है। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्लाउड इंजीनियर की सैलरीज क्या होती है। तो गाइस, क्लाउड इंजीनियर की सैलरी डिपेंड करती है कि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं या सर्विस बेस्ड कंपनी में जा रहे हैं। अगर सर्विस बेस्ड कंपनी की बात करूं तो ऑन एन एवरेज अगर इंडिया की बात करूं तो फ्रेशर के लिए 2.5 LPA से वो सैलरी स्टार्ट होके अप टू 20 LPA तक जा सकती है। अगर आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं तो फ्रेशर के लिए ये सैलरी अप अराउंड 5 LPA से लेके 50 LPA तक जा सकती है। बट मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि जो गलत थंबनेल या कह सकते हैं कि कुछ गिमिक थंबनेल्स लगाए जाते हैं कि 7 LPA पर मंथ और 10 LPA पर मंथ, ये पॉसिबल नहीं हो सकता इंडिया में स्पेशली। तो इसको मेरे अकॉर्डिंग अवॉइड करना चाहिए इन चीज़ों को। आपको जो एक्चुअल फिगर है मैंने बताया, इसमें थोड़ा कम ज़्यादा ये वेरिएशन हो सकता है, तो उसके लिए आप ग्लासडोर और सारी जैसी वेबसाइट्स होती हैं वहाँ पर जाके आप ये चेक भी कर सकते हैं। मैं US की सैलरी रेंज यहाँ नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को एक्चुअल मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं, क्योंकि मैं अभी क्लाउड इंजीनियरिंग रोल में है हूँ और मैं क्लाउड इंजीनियरिंग रोल में काफ़ी टाइम से वर्क करता आया हूँ, तो मुझे ये फिगर्स पता हैं इसलिए मैंने आपको दिया। बाकी अगर आप US फिगर्स जानना चाहते हैं तो आप ग्लासडोर जैसी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं इस जॉब रोल को पाने के लिए आपको क्या क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको किसी भी लिनक्स OS पे अच्छी कमांड होनी चाहिए, वो एक बेस की तरह आप तैयार कर सकते हैं। लिनक्स फंडामेंटल्स उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, जो आपके फंडामेंटल के लिए काम करेगा। उसके बाद आप वर्चुअलाइजेशन पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप कंटेनर्स पढ़ सकते हैं और कैसे कुबरनेटिस कैसे वर्क करता है वो सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आपको नेटवर्किंग के बेसिक फंडामेंटल पता होने चाहिए। अगर आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं तो बहुत ही एडिशनल एड ऑन होगा, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल देगा आगे रोल में, अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अभी क्लाउड इंडस्ट्री में 2-3 बड़े प्लेयर्स हैं, अगर आप एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनके किसी भी एक फंडामेंटल या एसोसिएट लेवल के सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। वो वेरी कर सकता है आपके जॉब रोल, जैसे आप एज अ डेवलपर हैं, एज अ डेवलपर आप क्लाउड इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो वो आपको डेवलपर लेवल का सर्टिफिकेशन चाहिए होगा, आप वो आर्किटेक्ट लेवल या सिसऑप्स वाले सर्टिफिकेशन के साथ नहीं जा सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं जिसमें मैं सभी सर्टिफिकेशंस को कवर करूं कि कौन सा सर्टिफिकेशन किस काम आ सकता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, तो मैं पूरे डिटेल सर्टिफिकेशंस के बारे में वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।